आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने एक हमें सुंदर अवसर दिया कि हम उसके भवन में आए और आज उसके वचनों को हम सुने। तो आज हम परमेश्वर के वचन सुनने जा रहे एक रियल मैन ऑफ गॉड के बारे में, जो परमेश्वर का एक सचमुच एक परमेश्वर का जन था, जिसके विषय में हम जानने जा रहे हैं। उसके लिए खोलेंगे हम प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 12, उसके पद हम लोग पढ़ेंगे 1 से। यहाँ पे वचन में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, उस समय हेरोदेश राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। हेरोदेश राजा जो था वहां का, उसने क्यों कलीसिया के लोगों पर हाथ डाले? उनको सताने के लिए, क्योंकि फरीसियों ने उसको उकसा दिया था, फरीसियों ने उसको भड़का दिया था। और फरीसी चाहते थे जितने प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले उसके चेले हैं उन सब के साथ बुरा व्यवहार हो और उनको सताया जाए, उनको मार दिया जाए। क्योंकि फरीसी जो शास्त्र का ज्ञान रखते थे, शास्त्र के बारे में जानते थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि यीशु मसीह के बारे में ये चेले प्रचार करें। उन्होंने बहुत कोशिश करी दबाने की कि प्रभु के चेलों को हम मार देंगे, इनको घात कर देंगे और मसीहत को यहीं पर हम समाप्त कर देंगे। मसीहत को आज केवल ये नहीं, आज के समय में ही मसीहों को सताया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है। ये प्रभु यीशु मसीह के समय में जो हेरोदेश राजा था उसके समय से आरंभ हुआ और उस समय से प्रेशर किया गया कि कलीसियाओं को नष्ट किया जाए, कलीसियाओं को दबाया जाए, कलीसियाओं के साथ गलत काम किया जाए। और यहाँ पर हमें पढ़ने में आता है कि उन्होंने क्या करा, यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। उन्होंने मरवा डाला याकूब, जो प्रभु का चेला था उसको मरवा डाला। यानी जब प्रभु के पीछे आप चलते हो, उसकी सेवकाई आप करते हो, तो आपके ऊपर सताव आने लाजमी है, वो सताव आएगा ही आएगा। और यहाँ पर जो बात हो रही है, मैंने बताया आपको कि सताव पूरी तौर से प्रेशराइज किया गया कलीसिया के ऊपर। आज जैसे वर्ल्ड वाइड आप देखते हो, क्रिश्चियनिटी को देखते हो, बहुत सारे चर्चेस में बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रोसिक्यूशन आ रहा है, दबाव आ रहा है। क्यों? कलीसियाओं को सताया जा रहा है, पास्टरों को मारा जा रहा है, कलीसिया के अंदर घुस के तोड़फोड़ करी जा रही है, जवान महिलाओं के साथ गलत काम किया जा रहा है, महनों के साथ गलत काम किया जा रहा है, बुजुर्गों को मारा पीटा जा रहा है। क्यों? इसलिए कि चर्च आना ये लोग छोड़ दे। किस लिए? कि ये प्रभु यीशु मसीह को मानना छोड़ दे। और ये सताव जबरदस्त तरीके से आया। और लेकिन एक रियल मैन ऑफ गॉड था, जिसके बारे में हमने यहां पे आगे पढ़ा कि उन्होंने क्या करा, फिर पतरस को भी पकड़ लिया, जो प्रभु का एक महान चेला था पतरस, उसको भी पकड़ लिया, जिसके विषय में आज हम सुनने जा रहे हैं। पतरस को भी पकड़ के उन्होंने क्या करा, बंदीगृह में डाल दिया। क्योंकि पतरस जो था वो चेलों का लीडर था, पतरस जो था वो चेलों का लीडर था। और वो लोग जानते थे कि पतरस जो है उनकी अगुवाई कर रहा है। और जैसे उन्होंने चेलों को मारा, पतरस को भी उठाकर उन्होंने जेल खाने में बंद कर दिया। और ये प्रभु के चेलों में से एक महत्वपूर्ण चेला है पतरस, जिसके बारे में क्या लिखा है, उसने उसे पकड़कर बंदीगृह में डाला और चार चार सिपाहियों के चार पहरों में रखा, इस विचार से कि फसा के बाद उसे लोगों के सामने लाए। क्यों लोगों के सामने लाए? जान से मारने के लिए, उसको खत्म करने के लिए लोगों के सामने लाए, ये उनका प्लान था। इसीलिए पतरस को भी पकड़ के उन्होंने जेल खाने में बंद कर दिया। आज वैसे ही चर्चिस में जितने क्रिश्चियंस आते हैं, जब सताव आता है, परेशानी आती है, कुछ क्रिश्चियंस जो हैं वो क्या करते हैं, चर्च को ही छोड़ देते हैं, वो चर्च को ही छोड़ देते हैं, वो चर्च आना बंद कर देते हैं। वो कहते हैं हम घर में ही प्रेयर करेंगे, हम चर्च नहीं जाएंगे। जब उनके पास्टर्स को सताया जाता है, उनके पास्टर्स पे अटैक आते हैं, तब वो सपोर्ट के लिए खड़े भी नहीं होते, वो भाग जाते हैं।
तितर बितर हो जाते हैं। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में ऐसा है, क्योंकि कई गांव देहातों के कई पास्टर्स हैं जिनके साथ ऐसा होता है और बताते हैं कि चर्च में घुस के पास्टर के ऊपर अटैक किया गया और चर्च के लोग बैठ के देख रहे थे और चर्च से भाग गए और किसी ने पास्टर का बीच बचाव भी नहीं किया। क्यों? इसीलिए क्योंकि वो डरते हैं, उनके अंदर भय है इस चीज का कि हमें नुकसान ना हो जाए, मेरी पत्नी को नुकसान ना हो जाए, मेरे पति को नुकसान ना हो जाए, मेरे बच्चे को नुकसान ना हो जाए। लेकिन जो पास्टर उनके आत्मिक जीवन के पालन पोषण के लिए परिश्रम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जिसको प्रभु ने उसके लिए खड़ा किया है, उसके लिए वो लोग नहीं खड़े हुए। और यहां पर कलीसियाओं को सताया जा रहा था और सताया जा रहा था और याकूब को तलवार से मरवा दिया और पतरस को पकड़ के जेल खाने में बंद कर दिया। और 5 में लिखा है बंदी गृह में पतरस बंद था परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। ये रियल चर्च की बात करी जा रही है, ये एक रियल कलीसिया की बात हो रही है, जिसने क्या करा, जब पतरस को जेल खाने में ले जाकर बंद कर दिया गया तो परमेश्वर से वो लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। मसीहों का जो शस्त्र है वो प्रार्थना है, जो कलीसिया का शस्त्र है वो प्रार्थना है। जब कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना करती है तो परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुनता है। लेकिन आज यदि कलीसिया में पास्टर को परेशानी आ जाए या चर्च में किसी बिलीवर को परेशानी आ जाए तो चर्च के लोग लो लगाकर प्रार्थना भी नहीं करते हैं। हालेलुया, बहुत से लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। आज परमेश्वर को ऐसी कलीसिया चाहिए जो लो लगाकर प्रार्थना करें। आज उनका प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, वो कलीसिया बोझ के साथ प्रार्थना करे, अपने देश के लिए प्रार्थना करे, अपनी कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करे, समाज के लिए। आज ऐसे परमेश्वर को कलीसिया में लोग चाहिए। लेकिन आज बहुत सारी कलीसियाओं में ऐसा है, लोग आते हैं अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करवाते हैं और चले जाते हैं। उनको मतलब ही नहीं है परमेश्वर के दासों से, उनको मतलब ही नहीं है और मिनिस्ट्री से, उनको मतलब ही नहीं है अपने देश से। आज हमें ऐसा नहीं बनना है। यहाँ पे हमने पढ़ा जब कलीसिया में परेशानी पड़ी, पतरस के ऊपर विपत्ति आई, परेशानी आई, तो लिखा है कलीसिया जाके सो नहीं रही थी। आज कलीसिया में कोई बीमार पड़ता है, हमारे कलीसिया के लोग रात में जाके चैन की नींद सो जाते हैं, वो प्रार्थना नहीं करते हैं कि हमारी कलीसिया में किसी व्यक्ति पर परेशानी आई है तो हम प्रार्थना करें, हमारे पास्टर में परेशानी आई हम प्रार्थना करें, वो प्रार्थना नहीं करते हैं, वो चैन से सो जाते हैं। क्यों? परेशानी हमारी थोड़ी ना है, परेशानी तो पास्टर की है, परेशानी चर्च के व्यक्ति की है, हमारी क्या परेशानी है। लेकिन यहाँ रियल जो चर्च है उसकी बात हो रही है, रियल चर्च के लोगों ने क्या किया, परमेश्वर से लौ लगाकर प्रार्थना करी। आज ऐसे ही परमेश्वर को कलीसिया चाहिए जो परमेश्वर से लौ लगाकर प्रार्थना करें, क्योंकि आप नहीं जानते हैं आपकी प्रार्थना अद्भुत रीति से काम करती है, अद्भुत रीति से काम करती है। क्योंकि हम जिस संसार में रह रहे हैं, ये संसार जो है एक भौतिक संसार है, इसके साथ दो संसार और पाए जाते हैं, एक आत्मिक संसार है, एक स्वर्गीय संसार है। आत्मिक संसार में जब आप प्रार्थना करते हो तो आत्मिक संसार में अद्भुत हलचल होती है, अद्भुत हलचल होती है। आत्मिक संसार में दुष्ट आत्माएं पाई जाती हैं, आत्मिक संसार में शैतान पाया जाता है, आत्मिक संसार में आत्मा से चलने वाले लोग होते हैं। इस आत्मिक संसार को कोई साधारण व्यक्ति नहीं देख सकता। मैंने क्या बताया, 3 संसार पाए जाते हैं, एक स्वर्गीय संसार पाया जाता है, एक आत्मिक संसार पाया जाता है और एक भौतिक संसार पाया जाता है जिसमें हम हैं। इस भौतिक संसार में हम सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन आत्मिक संसार में यदि हम आत्मिक रीति से जीवन जीते हैं तभी हम देख सकते हैं आत्मिक संसार को और स्वर्गीय संसार जहां परमेश्वर हमारा विराजमान है। आपकी प्रार्थना जब आप करते हो तो आत्मिक संसार को हिला के रख देती है, कलीसिया की प्रार्थना आत्मिक संसार को हिला के रख देती है, क्योंकि स्वर्ग में वो प्रार्थना जाती है और वहां से रिलीज होता है उस प्रार्थना का आंसर, वहां से रिलीज होता है उस प्रार्थना का आंसर। और ये कलीसिया जो है ये परमेश्वर से लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। आज यदि आपकी कलीसिया में कोई बीमार है, कलीसिया में कोई परेशान है, आपके पास्टर दुखी हैं, कलीसिया के लोग परेशान हैं, या कोई भी समस्या है, कलीसिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लो लगाकर प्रार्थना करें, वो बोझ के साथ प्रार्थना करें, ताकि उनकी प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर अद्भुत काम करें। ध्यान रखना, आपकी प्रार्थना आत्मिक जगत को हिला के रख देती है, आपकी प्रार्थना साधारण प्रार्थना नहीं होती है। जब कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना करती है तो अद्भुत रीति से परमेश्वर उन प्रार्थनाओं के उत्तर को तुरंत रिलीज करता है। हालेलुया, जब डैनियल ने प्रार्थना करी उसकी प्रार्थना उसी वक्त सुनी गई, उसके प्रार्थना के शब्द उसी वक्त सुने गए। ध्यान रखना, जब प्रार्थना करते हो अपनी बुद्धि से प्रार्थना मत करना,
संसारिक बुद्धि से जब प्रार्थना करो, जो परमेश्वर का आत्मा आपको बुद्धि देता है उस आत्मा से बुद्धि करो, क्योंकि पौलुस कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो आत्मा से भी प्रार्थना करो, बुद्धि से भी प्रार्थना कर। कौन सी बुद्धि? जो परमेश्वर आपको देता है, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर का आत्मा बुद्धि का आत्मा है, वो आपको विजडम देता है। किस चीज के लिए? आत्मिक जीवन जीने के लिए, आपको मिनिस्ट्री करने के लिए, आपको संसार में जीने के लिए वो आपको बुद्धि देता है। ये संसार का ज्ञान नहीं, संसार की बुद्धि नहीं, स्वर्ग की बुद्धि और ज्ञान वो आपको देता है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा की विशेषता है। और उसकी विशेषता में पहली चीज बताई गई बुद्धि। जब परमेश्वर का आत्मा आपको मिलेगा तो बुद्धि वो साथ में देगा। उसकी आत्मा की ये क्वालिटी है, उसके आत्मा की विशेषती है, विशेषता है, क्योंकि यशाया उसके 11:2 में लिखा है यहोवा का आत्मा बुद्धि का आत्मा है, ज्ञान का आत्मा है, समझ का आत्मा है, पराक्रम युक्ति का आत्मा है और उसके भय का आत्मा है। जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, उसकी आज्ञा ऊपर चलते हैं, ये सारी क्वालिटीज उनके अंदर दिखाई देती हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनमें काम कर रहा है और ये पवित्र आत्मा की विशेषता है। यदि कोई कहता है मेरे पास पवित्र आत्मा है और बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, पराक्रम युक्ति नहीं है, परमेश्वर का भय उसके जीवन में नहीं है, तो पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा की ये विशेषता है, उसके आत्मा की ये क्वालिटी है कि उसके अंदर ये चीजें पाई जाएंगी। क्योंकि आपकी प्रार्थना आत्मिक जगत को हिला के रख देती है। डैनियल ने भी प्रार्थना करी, उसकी प्रार्थना का आंसर परमेश्वर की ओर से रिलीज हो गया, लेकिन वो स्वर्ग दूत जो था वो फरास के प्रधान के साथ क्या रहा, उसके राजा के साथ युद्ध लड़ता रहा, वहां पे वो फंसा रहा, उन्होंने पकड़ के उसको कैद कर लिया। उसके बाद में मिकाएल स्वर्गदूत आया जो सारे स्वर्गदूतों का प्रधान है और उसने आके उसको छुड़ाया, उसकी सहायता करी। आपकी प्रेयर जो है सुनी जाती है यदि आप आत्मा से प्रार्थना करते हैं, लौ लगाकर प्रार्थना करते हैं। अगर आपकी प्रेयर का आंसर आने में समय लग रहा है तो ये ध्यान रखना कि आपकी प्रार्थना का हो सकता है आंसर मिल चुका है, लेकिन आकाश में उस आंसर को किसी ने रोका हुआ है। लेकिन परमेश्वर के दूत आएंगे, उस दूत को भेजेंगे जो आपकी प्रार्थना का आंसर आप तक पहुंचाएगा। क्योंकि कलीसिया जब लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी तो इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर एक स्वर्ग दूत लेके आया, जिसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। पढ़े उसके वचन को, 6 को क्या लिखा है। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। हालेलुया। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि पूरी पहरादारी कर रखी थी, पतरस बाहर ना निकल जाए, पूरी पहरादारी कर रखी थी। और उसके बाद पतरस जहां पर था जेल खाने में, उसको पता है कि मुझे कल मार दिया जाएगा, मुझे किल कर दिया जाएगा, वो फिर भी गहरी नींद में सो रहा था। आज पता लग जाए किसी को कि कल उसकी मृत्यु होने वाली है, उसको रात को नींद नहीं आएगी, लेकिन रियल मैन ऑफ गॉड था ये परमेश्वर का जन, जिसने बड़े प्यार से जाके उस कोठरी में गहरी नींद में था, सो रहा था। आज पता लग जाए कि मेरे को ये परेशानी आ गई, दिक्कत आ गई, रात को नींद नहीं आती। आज अगर किसी मसीह को पता लगे कल मुझे रेंट देना है, परसों मुझे घर का रेंट देना है, मुझे बच्चे की स्कूल की फीस देनी है, मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, घर का राशन बनाना है, उसको रात भर नींद नहीं आएगी, वो बेचैन रहेगा। सोचिए, जिस राशन के लिए नींद नहीं आ रही, स्कूल के फीस देने के लिए नींद नहीं आ रही, बच्चे के इलाज के लिए पैसे नहीं है, उसके लिए नींद नहीं आ रही, लेकिन सोचो जिसकी मृत्यु होने वाली है, जिसको प्राण दंड मिलने वाला है, वो गहरी नींद में सो रहा है। रियल मैन ऑफ गॉड, उसकी क्वालिटी होती है कि वो परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सौंप देता है, वो डरता नहीं है, वो फेथ करता है। यदि आप परेशान रहोगे, आप परेशानियों में डूबे रहोगे, तो आपको नींद नहीं आएगी। जब परमेश्वर के हाथों में सौंप दोगे तो परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने लोगों को नींद यूं ही प्रदान कर देता है। परमेश्वर के लोग आराम से शांति से सो जाते हैं। यहाँ पतरस जब जेल खाने में बंद था तो कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी और उसकी प्रार्थना का परमेश्वर ने आंसर दिया स्वर्गदूत को भेजकर। और जब स्वर्गदूत आया, आके उसको उठाने लगा, लिखा है उसके हाथ में क्या था, दोनों हाथों में जंजीरें थी और जंजीरों से वो बंधा हुआ था। लेकिन जब वो उसको उठाने लगा तो क्या हुआ, वो उस गहरी नींद में था,
उसने बोला पतरस पतरस, तो पतरस नहीं उठा, तो उसने उसकी पसली पर हाथ मारा। क्यों पसली पर हाथ मारा? उसको हिलाना पड़ा, यानी इतनी गहरी नींद में सो रहा था, वरना उसके मुंह के शब्द से ही पतरस उठ जाता। लेकिन उसके पसली पर उसने हाथ मार के उसको उठाया, और लिखा है पतरस उठ गया। और उसने उसके बाद उसको क्या बोला, पढ़े आगे क्या बोला? तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह आगे निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह सच्चा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि स्वर्गदूत ने उसकी पसली पर हाथ मारकर उसको जगाया। इतनी गहरी नींद में था। मैंने क्या बताया, एक सच्चा मसीह अपनी परेशानियों को लेके रात भर अपनी नींद को खराब नहीं करता, वो परमेश्वर के हाथ में सौंप देता है। आज के समय में जो क्रिश्चियंस चर्च में आ रहे हैं, जो फेथ में थोड़े कमजोर हैं, उनको अगर पता लगता है हमें कल रेंट देना है, बिजली का बिल देना है, हमें इसको पैसे देने हैं, हमें लोन की किस्त भरनी है, रात भर नींद नहीं आएगी उसको। लेकिन सोचो पतरस के बारे में, जिसको पता है कल मुझे मृत्यु दंड मिलने वाला है, वो गहरी नींद में सो रहा है। और परमेश्वर ने कलिसिया की प्रार्थना का आंसर दिया। जब कलिसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी, तो परमेश्वर की ओर से वो स्वर्गदूत भेजा गया। किस लिए? पतरस को बचाने के लिए, उसको छुड़ाने के लिए। जब आप प्रेयर करते हो बोझ के साथ अपनी कलिसिया के लिए, कलिसिया के लोगों के लिए, अपने पास्टर के लिए, तो परमेश्वर अपने दूत को रिलीज कर देता है। जैसे डैनियल की प्रार्थना सुनी और दूत को रिलीज कर दिया, क्योंकि दूत उसकी प्रार्थना का आंसर लेके आ रहा था, वैसे ही यहां पर कलिसिया की प्रार्थना का आंसर लेके दूत आ रहा था। जब आप प्रेयर करते हो, आपकी प्रेयर का आंसर स्वर्ग दूत लेके आता है, क्योंकि जब आपकी प्रेयर स्वर्ग में जाती है परमेश्वर के सम्मुख, तो परमेश्वर निर्णय लेता है इस चीज का आंसर अभी मुझे देना है या थोड़े टाइम बाद देना है। परमेश्वर ने ऑन द स्पॉट कलिसिया की प्रार्थना को सुना, और सुन के परमेश्वर ने आंसर दिया, और वो स्वर्ग दूत जो है वो आया उसको छुड़ाने के लिए, उसको छुड़ाने के लिए आया। और उसने उसकी पसली पर हाथ मारा, उसको बोला उठ, और क्या कर? जल्दी कर, तू गहरी नींद में पड़ा मत रह, आलसी मत रह, उठ, तेरे निकलने का समय आ चुका है। और आगे क्या बोला स्वर्गदूत ने? उससे कहा कमर बांध और अपने जूते पहन ले। कमर बांध ले और जूते पहन ले, क्योंकि अब तेरा जेल से निकलने का समय आ गया है। आपको नहीं पता कब आपकी परेशानी से निकलने का समय है, किस दिन परमेश्वर आपकी गरीबी को दूर करने जा रहा है, आपकी बीमारी को दूर करने जा रहा है, आपकी तकलीफ को दूर करने जा रहा है। केवल आपको लौ लगाकर प्रार्थना करनी है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, कलिसिया के लिए, क्योंकि आपकी प्रार्थना का आंसर परमेश्वर देने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का आंसर देने जा रहा है, और आपको उससे बाहर निकालने जा रहा है। स्वर्गदूत ने आके पतरस को जगाया और कहा जल्दी कर, निकल यहां से। उसके बाद आगे लिखा है वह निकल कर उसके पीछे हो लिया, और स्वर्गदूत ने उसकी अगुवाई करी। स्वर्गदूत ने उसकी अगुवाई करी, क्योंकि स्वर्गदूत के आते ही उसकी बेड़ियां भी टूट गई, दरवाजा भी खुल गया, और कोई सिपाही भी रोक नहीं पाया, क्योंकि परमेश्वर के दूत शक्तिशाली होते हैं, पावरफुल होते हैं, और कोई भी इंसान उन स्वर्गदूतों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज लोग बहुत बड़ी बड़ी बात कहते हैं परमेश्वर के विरुद्ध में, लेकिन वो परमेश्वर के स्वर्ग दूत से ही नहीं लड़ सकते, उसके दूत का ही सामना नहीं कर सकते। तो परमेश्वर तो सुप्रीम है, उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं, उससे इंसान लड़ाई कैसे करेगा, उससे झगड़ा कैसे करेगा। और यहाँ पर स्वर्गदूत आया, और स्वर्गदूत के आते ही उसके बंधन खुल गए। यानी प्रार्थनाओं का आंसर है, प्रार्थना आपके बंधन खोलती है, प्रार्थना आपको आजादी देती है। जो जेल का दरवाजा बंद था वो भी खुल गया। जब कलिसिया लो लगा के प्रार्थना करती है, तो परमेश्वर के अनुग्रह से प्रार्थनाओं का आंसर आता है, और उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए कलिसिया लो लगा कर प्रार्थना कर रही है, उसके बंधन खुलते हैं, उसकी बीमारी जाती है, उसकी परेशानी जाती है। इसीलिए हर कलिसिया को लो लगा कर प्रार्थना करनी चाहिए, और वही काम यहाँ पर इस कलिसिया ने किया। और आगे क्या लिखा है कि उसने ये सोचा कि मैं कोई दर्शन देख रहा हूँ। उसको यकीन नहीं हुआ, उसको लगा मैं कोई दर्शन देख रहा हूँ, क्योंकि पतरस को परमेश्वर ने बहुत दर्शन दिए और दर्शनों से बात करी, तो पतरस को लगा कि अभी भी मैं कोई दर्शन देख रहा हूँ। उसको यकीन नहीं हुआ, सोचिए
यानी इतनी गहरी नींद में था, नींद से उठा तो सारे काम तो कर रहा है लेकिन उसको लग रहा है मैं दर्शन देख रहा हूं। इससे पता लगता है कितनी गहरी नींद में था। अगर कोई गहरी नींद में है उसको उठा के कुछ खिला दो, वो खा के सो जाएगा, तो सुबह उससे बोलो कि कुछ खिलाया था तुम्हें? नहीं नहीं मैंने तो कुछ खाया ही नहीं था। क्यों? बड़ी गहरी नींद में था, नींद का नशा उसके ऊपर हावी था। वैसे ही यहाँ पतरस के साथ था, पतरस के ऊपर वो नींद का नशा हावी था, उसको लगा मैं दर्शन देख रहा हूँ। आगे क्या लिखा है पढ़े 10 में। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। हालेलुया। यहाँ पर जब पतरस को लेकर स्वर्गदूत आगे आगे चला तो अपने आप दरवाजे खुलते चले गए। जब परमेश्वर का दूत आपकी अगुवाई करता है, आपको लेकर चलता है, आपके सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर अपने दूतों को हमारे निमित्त क्या देता है? आज्ञा देता है, इसकी सहायता कर, इसकी मदद कर, इसकी रखवाली कर, इसके साथ चल। परमेश्वर ने दूतों को आज्ञा देता है, परमेश्वर ने पतरस को भी आज्ञा, पतरस के लिए भी स्वर्गदूत को आज्ञा दी, जा इसकी अगुवाई कर। और वही काम यहाँ पर हम देखते हैं, और पतरस निकलता चला गया और जब स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया तब उसे एहसास हुआ कि ये कोई दर्शन नहीं है, ये तो हकीकत है। उसके बाद आगे लिखा है, तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेश के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। यानी कितना कोई शक्तिशाली हो राजा, शक्तिशाली कोई गवर्नमेंट हो, यदि परमेश्वर के लोगों को सताएगी, परेशान करेगी, तो परमेश्वर सामर्थ्य है निकालने के लिए, परमेश्वर सामर्थ्य है आपको छुड़ाने के लिए। क्योंकि डैनियल के साथ भी यही हुआ सेम। डैनियल को भी सीओ की मान में डाल दिया गया, सीओ की मान में डाल दिया गया, लेकिन अंत में स्वर्गदूत आया, क्योंकि परमेश्वर का स्वर्गदूत परमेश्वर के लोगों के लिए हमेशा तैयार रहता है परमेश्वर के इशारे पर जाने के लिए। और डैनियल को जब जेल खाने में डाला गया, उस सिंहों की मांद में डाला गया, तो स्वर्गदूत ने आकर क्या करा, सिंहों का मुंह बांध दिया, बंद कर दिया। क्योंकि जब राजा दारा वापस आया उससे पूछने के लिए, तो उसने बताया, हाँ मेरे परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजकर इसके मुंह को, शेरों के मुंह को बांध दिया था। यानी परमेश्वर के दूत एवरी टाइम आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको हेल्प करते हैं, आपको गाइड करते हैं, और परमेश्वर उनको भेजता है आपकी और मेरी प्रार्थनाओं को सुन के। जब कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करती है तो प्रार्थना का आंसर आता है। यदि आज आपकी कलीसिया में कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई तकलीफ में है, कोई परेशानी में है, आज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी इस कलीसिया के साथ, जैसे कलीसिया थी प्रभु के चेलों की, वैसे हम भी लौ लगाकर प्रार्थना करें। क्योंकि इन प्रार्थनाओं का आंसर मिलता है, वो परमेश्वर अद्भुत काम करके दिखाता है। जो पतरस बंदी गृह में था, जिसको जान से मार देने का प्लान था और जिसका तमाशा करने का प्लान था, लेकिन परमेश्वर ने पतरस को छुड़ा लिया। हालेलुया। परमेश्वर किसी के भी हाथ से आपको छुड़ा सकता है, वो सामर्थी है, उससे बड़ा कोई भी नहीं है, वो रियल गॉड है। आज आपको बिलीव करना है और आपको पतरस के जीवन को देखना है कि इतनी भयंकर विपत्ति जब उसके ऊपर पड़ी, उसको पता था कि कल मुझे मार दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी पतरस एक गहरी नींद में सो रहा। क्यों? क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर अपने लोगों को नींद यूं ही प्रदान कर देता है। और आज यदि आपको पता लगे, जैसे मैंने बताया, कितनी मर्जी आपको कल किस्तें भरनी हो, रेंट देना हो, लोन की किस्त भरनी हो, बच्चे की स्कूल की फीस देनी हो, कुछ भी हो, आपको रात भर नींद नहीं आएगी, आप बेचैन रहोगे, अब क्या करे। लेकिन देखो यहां पर पतरस गहरी नींद में सो रहा था। ये रियल मैन ऑफ गॉड था जिसने परमेश्वर के हाथ में सब कुछ सौंप दिया और चिंता नहीं करी। और ये रियल कलीसिया थी जिसने बोझ के साथ पतरस के लिए प्रार्थना किया लो लगाकर। आज वैसे ही जब हम अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं लो लगाकर, हम प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के लिए, प्रार्थना करते हैं कलीसिया के लोगों के लिए, बीमारों के लिए, परेशान लोगों के लिए, तो परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर हमारी सहायता करता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। वैसे ही परमेश्वर ने क्या किया, लूत को बचाने के लिए अपने दूतों को भेज दिया। आप मल्टीपल टाइम्स बाइबल में पढ़ोगे परमेश्वर ने दूतों को बार बार भेजा। परमेश्वर ने लूत को बचाने के लिए भी अपने दूत भेज दिए और वो दूतों ने जाके लूत को बचा लिया।
हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर ने दूतों को भेजता है आपकी सहायता के लिए, आपकी मदद के लिए। और परमेश्वर ने पतरस के लिए भी अपने स्वर्गदूत को भेजा ताकि स्वर्गदूत जो है पतरस को बचाए और लेकर जाए, और स्वर्गदूत ने पतरस को बचा लिया और वहां से गायब हो गया। हालेलुया। तो आज हमें भी इस कलीसिया की तरह लो लगाकर प्रार्थना करनी है और विश्वास करना है, क्योंकि जब कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना करती है उसके अद्भुत काम होते हैं। आत्मिक जगत हिल जाता है, आत्मिक जगत में कंपन आ जाती है, क्योंकि परमेश्वर जो है अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है। वचन में लिखा धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एक धर्मी जन की प्रार्थना अद्भुत काम करती है, उसकी प्रार्थना डायरेक्ट स्वर्ग में जाती है और पूरा आत्मिक जगत हिल जाता है, और परमेश्वर जो है उसकी प्रार्थना को सुन के आंसर करता है। ध्यान रखना, तो आज के वचन से परमेश्वर ने बताया कि हमारी हर एक प्रार्थना का, हर एक परेशानी का समाधान जो है वो प्रार्थना है। आज हमें लौ लगाकर प्रार्थना करनी है अपनी कलीसिया के लिए, कलीसिया के बीमार लोगों के लिए, परेशान लोगों के लिए, अपने पास्टर के लिए और समाज के हर वर्ग के व्यक्ति के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यदि परेशानी में है, दुख तकलीफ में है, क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं का आंसर आएगा और परमेश्वर अद्भुत काम करके दिखाएगा। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह।